हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सिंह व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो सब अच्छे हैं और सब देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है और क्या बताएं आप लोग का। दो तीन दिन से वीडियो ब्लॉग नहीं डाल पा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है क्या करें नहीं करें। लेकिन बहुत हिम्मत का थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज किए हैं, मन फ्रेश लग रहा है। ऐसे डेली हम नहा ही लेते हैं, लेकिन कल नहीं नहा पाए क्योंकि हिम्मत नहीं कर रहा था। आज सोचे नहीं नहाए तो सब उठ के कपड़ा चेंज किए तो मन फ्रेश लग रहा है। और अपने आप को इतना मजबूर हालत में देख के बहुत ये आ रहा है कि पता नहीं किसका क्या बिगाड़ है, इतना तकलीफ हो रहा है मेरे को, क्या बोले। इतना शरीर से मजबूर है, जा के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या करें। भगवान किसी इतना कैसे कष्ट दे सकता है, कोई किसी के लिए ना ना देना ना किसी बात ने विचार कुछ भी, तो इंसान कितना तकलीफ कैसे हो सकता है, क्या करें। अपने आप को इतना तरस आ रहा है कि बच्चा को दूध गर्म के नहीं दे सकते ना कुछ कर सकते हैं, इतना तकलीफ शरीर में। आज ये हालत है कि देख रहे बैठ पड़े पड़े दौर और हालत ख़राब हो रही है, तो इतना अपने आप को गुस्सा आ रहा है कि क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और बाबू को सुबह में तो स्कूल पहुँचाए ना, गाड़ी भी चलाने मना किया है, तो बोले हुए थे तो बाबू पहुँचा कहाँ है किसी बगल में, बोले हुए थे और रिलेशन में ही है तो उनको बोले हुए थे, तो बोले ठीक है पहुँचा देंगे। और अभी लाने के लिए भाई गया हुआ है पैदल ही, क्योंकि गाड़ी वो चला नहीं पाता है, बाबू को लेकर हिम्मत नहीं करता उसको, कभी उतना चलाया नहीं है। तो हम बोले कि जाते घूमते घूमते से भी खाली बैग एग्जाम हो रहा है तो पैदल आ जाएगा, बाबू बहुत मन भी कर रहा था। आज मार्केट था तो थोड़ा जा साग उग ले लें, सब्जी उब्जी लेना, कुछ बना, खाना अभी तक नहीं बना पाए, नाश्ता कुछ बनाए थे सुबह में भी, उठ के उपमा बनाए थे, कैसे बच्चे को भूखे भेजना समझ में नहीं आता हमको बच्चे जो। और है बेटी बड़ी है 15 साल की, लेकिन अभी नहीं कुछ करती नहीं कर पाती है, क्योंकि हम करते हैं तो उसको नहीं कुछ ज़्यादा प्रेस करते, ये करो वो करो, तो नाश्ता सुबह बना के देना ही पड़ेगा, क्या करें। छोटा बच्चा था इन्हें ब्रेड और दूध पी के चल जाएगा, और दूध पीती नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपमा बना दिए थे, खा के चल गई, लेके चल गई खाना, बोले भाई कि बाबू बना देंगे, तो बोले ठीक है। और इतना एकदम क्या बोले समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करें। ऐसे ड्यूटी गए हुए तो आज भर है, कल से फिर अपना पर कल के फिर सुबह में रहेंगे, शाम को नहीं रहेंगे, ये सब परेशानी क्या किया जाए। और अभी लगातार 15-20 दिन डॉक्टर बोल रहा है बेड रेस्ट करने के लिए, मेरे से सोए रहते रहते मन पूरा तो उग जाता है, क्या करें। तब मैं इतना हिम्मत नहीं होता करता कैसे क्या करें नहीं करें, और कोई टेंशन खड़े बाबू लोग के लिए टेंशन है और कुछ नहीं है, स्कूल लाना पहुँचाना, थोड़ा बहुत तुम नाश्ता तो बना ही देंगे खड़े धीरे धीरे, कोई बड़ा काम भारी काम नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो कर ही लेंगे, लेकिन बहुत मजबूर हैं अपने आप में क्या करें। और ये भी परेशान हो जा रहे हैं क्या करें समझ में नहीं आता, ड्यूटी में भी इनको चैन नहीं मिलता करता है, चिंता लगा रहता है कब छुट्टी घर जाए कब टाइम बीते घर जाए, बाबू आता ही होगा 10:30 बजे छुट्टी हो गया उसका, आता ही होगा, आने में लेट लग जाएगा पैदल, तो बच्चा थक जाएगा पूरा, क्या करेंगे थक जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते। और सुई ले लिए थे कल, इंजेक्शन 2 लिखा है डॉक्टर लेकर के बेड रेस्ट करने के लिए, तो उसी लिए और कोई बड़ी बात नहीं है सर, सुई थोड़ा सा नस में लेना था तो नस में नहीं ले पाए, पेन हो रहा है ना एकदम बैठे बैठे, और अपने आप को एकदम मजबूर हो गया हम क्या करें, एकदम पैर हाथ इतना दर्द हो रहा है ना बदन सब की, क्या करें बैठ पे रहते रहते, फिर भी कोई नहीं देखते, इतना तो करने बाद भी ठीक हो जाएगा तो ठीक है, क्या करें। और सब है मम्मी लोग सब कोई दूर में है तो हम कैसे लें, सबको है दीदी लोग बहन लोग सब दूर में है तो सबको अपना अपना घर में काम है, क्या करें दिन काम
तो है नहीं, तो किसी को बुला के कर, ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, तो उतना नहीं है कि सोए रहना और उतना बड़ा कष्ट, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा आटा उटा सान देंगे तो खड़े कर रोटी बना लेंगे, भी ज़्यादा नहीं, आप 10 बंदा बहुत बना ही लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे सब्जी भी काट उट देंगे, थोड़ा बहुत खड़े खड़े कर लेंगे, कल बैठने के लिए झुकने के लिए मना किया है, तो वही दिक्कत है और कोई बात नहीं है, तो यही सब मजबूरी है, क्या करें। अब यही सब चलते, ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, वीडियो भी नहीं डाल पा रहे, क्या करें, और मन टूट जाता है, हिम्मत बहुत करता है लेकिन क्या करें, और करने भी लगे तो भी डर है, तो उस मन में डर भी है कहीं और बढ़ ना जाए, करने की बहुत हिम्मत करता है कि क्या करें, फिर भी चाची का बोले हुए चाची घर झाड़ू पोछा कर दिए, मस्त तो कभी कराए नहीं थे किसी झाड़ू पोछा, अच्छा नहीं लगता घर गंदा है, था ये घर में रहते तो कर लेते, तो बोले चाची तो कर दी, बोले ठीक है कोई बात नहीं है कर दे, तो अगर ठीक नहीं रहता है तो अच्छी है कर, जो बोलेंगे कर दे, अपना घर का काम तो हम कभी नहीं करवाए, कभी बोलते तो कर देती है कुछ भी, और इतना मजबूरी कभी था नहीं, वे ड्रेस लिखे साल भर से, तो भगवान के सब अच्छा आ जाए, इतना 10 दिन के बाद भी सब अच्छा हो जाए तो चलिए अच्छा ही है, कोई बात नहीं है, सब एकदम पूरा मन अंदर से पूरा इतना टूटा रहता है, किसको क्या बताए क्या करे, सब परेशान है, पर से गला में इतना दर्द हो रहा था, रात को भी इस तरफ तो हो रहा था पर इधर ठीक हो गया, अभी इस तरफ हो रहा है, हल्का हल्का तो दवाई खाए हैं सुबह में भी, अभी जा रहे फिर खाना बना के खाएंगे, खाना बनाएगा भाई आया हुआ है तो हम देखिए कुछ भी बनाएगा, खाने दवाई खाएंगे क्या खाएंगे, हाँ करने करने तो करना ही पड़ता, वो तो और कुछ नहीं करने देता है, बोलते उठने ही नहीं देता बेड पर से, तो नहीं तो कर ही लेते हैं, तो उठने नहीं देगा बेटे, बोले सब ये पानी भी पीना तो ला के देगा, कुछ करने ही नहीं देता, और बोले ठीक, बोले जितना हो पाएगा हम कर देते हैं, तो सब कर देता है, तो ऐसे नहीं कुछ करता है, ऐसे ही पर है तो सारा कर देता है, बोलते हिलना नहीं बेड पर से, और पैर तरह दोनों तकिया रख करके लेटे रहते हैं, क्या करेंगे, लेटे लेटे पूरा बदन दर्द हो जाता है, देखते हैं कब तक तो आते हैं, तो बोलेंगे बाजार जाने के लिए सब्जी उब्जी ले आने के लिए, कहीं सब्जी कुछ है, बहुत दिन से बाजार किए भी नहीं थे, ये सब बात है क्या कीजिए, शरीर इतना मजबूर हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक रहते हुए भी क्या करें, समझ में नहीं आता, तो सुबह कितनी बात कंगी किए थे सुबह में, इतना बाल टूट रहा है कि क्या करें, तेल डाल डाल के सर में हालत खराब हो जाता है, यहाँ तो फिर दुखता भी आ जाता है, यही सब बात है और कोई बात नहीं है, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, तो हिम्मत करता है लेकिन फिर डर भी लग रहा है, शरीर का ये हाल है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बोला वरना कोई बड़ा बात ना, थोड़ा सा आए फ्रेश हुए हैं, तो कोई है भी नहीं घर में, ऐसे सब चारों तरफ से घेरा रहता था और कुछ नहीं कर पाते, तभी कोई नहीं है फ्री होकर थोड़ा सा बना लेते हैं, बोले ब्लॉग डाल देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, शॉर्ट वीडियो भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, तो क्या करें, बनाना ही पड़ता है, काम है तो करना ही पड़ेगा, और नहीं कई दो दिन छूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता, करता है देखते हैं क्या करता है, नहीं करता है। और ठीक किसी तरह ब्लॉग में बने रही है, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ब्लॉग अच्छा लगे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दे कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है, और कोई बात नहीं, इसी तरह ब्लॉग में बने रही आप, और ब्लॉग में बने के दिल से धन्यवाद आप लोग को, ठीक है कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय, लव यू, टेक केयर।